गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 10.5 का तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। आकृति दी गई है, इस आकृति में कोण PQR बराबर 100 डिग्री है, जहां PQR वाले एक PQR केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। कोण OPR ज्ञात कीजिए। OPR हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। आकृति में O केंद्र वाले वृत्त पर PQR बिंदु स्थित है। कोण PQR बराबर 100 डिग्री, PQR बराबर 100 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब प्रतिवर्ती कोण POR, ये नीचे की ओर जो बड़ा कोण है उसके लिए हम प्रतिवर्ती शब्द यूज करते हैं। प्रतिवर्ती कोण POR इसका डबल होगा, क्योंकि सेम चाप जो है उसके द्वारा किसी बिंदु पर स्थित कोण वो आधा होता है केंद्र पर अंतरित कोण के। अगर ये आधा है तो ये डबल होगा, ठीक है ना, या फुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोण POR बराबर 2 कोण PQR। अब दो कोण PQR का मान 100 रख दिया, इसको गुणा कर दिया तो 200 हो गया, ठीक है ना। अतः कोण POR बराबर ये जो है 200 डिग्री है, परंतु अंदर की तरफ जो कोण है उसको हम बोलते हैं POR, बाहर वाला जो है वो प्रतिवर्ती कोण होगा। तो अंदर वाला कोण कितना होगा, एक बिंदु पर बनने वाले कुल कोण 360 डिग्री होते हैं, 360 में से अगर हमने 200 घटा दिया तो बाकी बचा हुआ कोण अंदर की तरफ होगा। तो 360 माइनस 200 बराबर 160 डिग्री, यह है 160 डिग्री का कोण। आप त्रिभुज देख रहे हैं OPR, इसमें तीन कोण हैं। अब तीन कोण क्या है, एक तो ये 160 डिग्री एक बिंदु P पर बन रहा है, एक बिंदु R पर बन रहा है। अब इसमें हम ध्यान दें, परंतु त्रिभुज POR में कोण OPR प्लस ORP प्लस POR इनका जोड़ होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का कोण योग नियम है ये। अब इसमें से एक तो जो है वो 160 डिग्री का है, एक 160 डिग्री का है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो O से लेकर P तक त्रिज्या है, O से लेकर R तक त्रिज्या है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात दोनों त्रिज्याएं तो बराबर ही होती हैं, एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए इस समीकरण में हम मान रखेंगे, OPR सेम रहने देंगे, ORP की जगह पर भी OPR लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। इसकी जगह पर भी हम OPR लिख देंगे और POR की जगह पर हम 160 लिख के दूसरी तरफ घटा देंगे। आइए हम इसको देखें। OP बराबर OR त्रिज्याएं एक ही वृत्त की, अतः कोण ORP बराबर OPR। अब एक से OPR प्लस OPR, क्योंकि ORP की जगह पर भी हमने OPR लग दिया है, प्लस POR बराबर 180 डिग्री, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दो कोण OPR, और इसकी जगह पर हम लिखेंगे 160 डिग्री, और ये इनका टोटल है 180 डिग्री। 160 को दूसरी तरफ ले जाके घटा दिया तो बाकी रहा 20 डिग्री। दो कोण OPR बराबर 20 डिग्री, तो कोण OPR बराबर 20 बटे 2 बराबर 10 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे जो पूछा था OPR का मान हुआ जाएगा 10 डिग्री, ठीक है, ये यहाँ पर पूरा होता है। ओके, थैंक यू।